नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 वर्ष पूर्व हुई चाकूबाजी की एक घटना में फैसला आया है, जिसमें न्यायालय ने आरोपियों को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। घटना 12 अक्टूबर 2017 को फरियादी दाऊद अरबाज खान अपनी मोटरसाइकिल लेने पुनर्वास स्थल धर्मपुरी सरकारी अस्पताल के पास जा रहे थे, जहां पर आरोपी नवीन ने चाकू से हमला करते हुए फरियादियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस को सूचना लगते ही थाना उपनिरीक्षक संतोष पाटीदार ने घटना स्थल का दौरा कर धारा 307-34 में अपराध क्रमांक 146/2017 में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई प्रारंभ किया। धर्मपुरी पुलिस ने जांच में आरोपी नवीन पिता, रमेश प्रकाश पिता, फत्तू गौतम पिता, देवानंद पटवा सभी निवासी धर्मपुरी को प्रकरण न्यायालय धर्मपुरी में चला। डॉक्टर मिताली चौहान, उप निरीक्षक संतोष पाटीदार के साक्ष जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपी को दोषी पाया और अलग अलग धाराओं में 10 और 1 वर्ष सक्षम कारावास की सजा सुनाई। फरियादियों की तरफ से अभियोजन पक्ष साक्ष की अधिवक्ता शाहिद खान ने रखा। धर्मपुरी से शहीद रिजवान अली की रिपोर्ट। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री नंदेश्वर साहब के द्वारा धर्मपुरी कोर्ट में आरोपीगण नवीन पिता रमेश, प्रकाश पिता फत्तू, गौतम पिता देवानंद को फरियादी दाऊद और अरबाज के साथ चाकू से घटनाकारित करने के अपराध में, प्राणघातक हमला करने के अपराध में दंडित किया गया है। घटना दिनांक 12/10/2017 की है, जब आरोपी गण ने बाईपास चौराहा धर्मपुरी पर फरियादी पक्ष से झगड़ा किया और उनकी मोटरसाइकिल लेकर चले गए थे। जब पुनर्वास स्थल सरकारी अस्पताल के पास फरियादी पक्ष मोटरसाइकिल लेने के लिए पहुँचे, तब आरोपी गण ने उन पर चाकू से हमला किया था। प्रकरण में धर्मपुरी थाना के पुलिस अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए अपराध में संज्ञान लिया और विवेचना की कर चालान को धर्मपुरी कोर्ट में प्रस्तुत किया था। धर्मपुरी कोर्ट में फरियादी दाऊद अरबाज, उस्मान कादर और डॉक्टर श्रीमती मिताली चौहान के साथ ही मुख्य विवेचक श्री संतोष पाटीदार और अन्य साक्षियों के कथन हुए थे, जिस पर से माननीय नंदेश्वर साहब ने आरोपी गण को सजा सुनाई। आरोपी गण को प्राणघातक हमला करने के लिए धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10-10 साल की सश्रम कारावास और 323 में 1 साल का सश्रम कारावास और 10,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। दिनांक 12/10/2021 को माननीय श्री नंदेश्वर साहब की कोर्ट ने, सत्र न्यायाधीश महोदय साहब की कोर्ट ने आरोपी गण नवीन, प्रकाश और गौतम को धारा 307 के अंतर्गत 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी और 10,000 का अर्थदंड दिया है। आरोपीगण के द्वारा दिनांक 12/10/2017 को फरियादी अरबाज और दाऊद के साथ चाकू मारने की घटना कारित की गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।